परासिया थाने के पास अवैध बनी बिल्डिंग को प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी नहीं तोड़ा जा सका। बताया जा रहा है कि ब्लास्टिंग के बाद भी बिल्डिंग को गिराया नहीं जा सका। उधर विधायक ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। ब्लास्टिंग के काम के लिए प्रशासन ने 4 घंटे से रोड जाम कर दुकान बंद करा दी थी, लेकिन ब्लास्टिंग का कार्य करने के बाद भी बिल्डिंग को नहीं गिराया जा सका। बताया जा रहा है कि प्राइवेट एजेंसी को ब्लास्टिंग करने का टेंडर दिया गया था। ब्लास्टिंग के एक्सपर्ट्स इंजीनियर का कहना है कि कटर से ही बिल्डिंग को धराशायी किया जा सकता है। उधर 4 घंटे से बंद दुकान और यातायात को लेकर विधायक सोहन वाल्मीकि भड़क उठे। विधायक ने ब्लास्टिंग स्थल पर पहुंचकर अधिकारियों के ऊपर गुस्सा जाहिर किया और यातायात व्यवस्था और दुकान खोलने की हिदायत दी। सोहन वाल्मीकि ने कहा कि बिल्डिंग गिराने को लेकर दुकानें बंद हैं, जिससे व्यापारियों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों से इसका विरोध करने को कहा। प्रशासन के ताने के कारण आज पूरा हमारा परासिया नगर परेशान हो रहा है। एक दुकान तोड़ रहा है, आप दुकान तोड़िए, मगर ये पूरे परासिया नगर का मार्केट बंद करा के पूरे ट्रैफिक रोक के जिस तरीके से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, ये निश्चित रूप से ये इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी है प्रशासन की। इसका हमने आज विरोध किया है और ये इसको बंद करवाएंगे। और प्रशासन नहीं माना तो ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहा कलेक्टर और SP दोनों। कॉलम तो सारे टूट गए, बट क्या बोलते हैं पूरी तरह कवर होने के कारण बैठे। कटर मशीन से भी कट करना पड़ेगा, जो कल कटर मशीन आ जा रही है तो उससे इसको पूरी तरह से कट करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।